हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक, इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, तो एक क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलेगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सबसे पहले आपको पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और वहां पे इंस्टा की आईडी भी है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन को नाम दोहराइए, उनके चेहरे पे फोकस करिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। ठीक, इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। ठीक, इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी दिखा था, निकला था, पर इसको आना ही आना था। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। स्टेटस फ्रेंडशिप, प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, क्योंकि दी वर्ल्ड यहाँ पे आया है तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है, सभी साइन के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, साथ में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन आपको लेकर के केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिना बहुत सोच सोच के थक चुके हैं, तो कभी कभी उनके माइंड में आता है कि उनको ना आप केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करनी है, कि जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते भी हैं, थोड़ा सा लिथार्जी कैजुअल बिहेवियर भी हो सकता है कि मैं ये कर लूँगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारा सबको सोचा और बस देवा स्वप्न, और फिर टाइम फिस्ट वाली कंडीशन भी हो सकती है कि बस सोचते रहते हैं, एक्शन कुछ नहीं लिया। यहाँ पर ये एनर्जी भी दिखाई, थोड़े से लेजी लिथार्जिक हो सकते हैं, बहुत
कैजुअल टाइप का बिहेवियर हो सकता है। सेकेंड चीज़ ये भी है कि जो होगा देखा जाएगा, मतलब आपकी तरफ एक्शन ले भी सकते हैं, और जैसे मैंने बोला सोचते बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद करते वरते कुछ नहीं है, ये कंडीशन है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि केयर फ्री होकर के एक न्यू एक्शन, ज़्यादातर लोगों के केस में एनर्जी यही है कि ये अभी जो है भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ा हुआ है, चीज़ों को बस यूफोरिया की कंडीशन में बस आपको इमेजिन करते रहते हैं खाली कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा ये चीज़, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है कि हम ये कर लें वो कर लें पर हो नहीं पा रहा है। ये अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपने पैसे पे भी बेसिकली काम करना चाहते हैं। फिलहाल की एनर्जी इनकी ये है कि ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। साथ में इनकी क्या है, ये अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पैसा बनाना चाहते हैं बहुत सारा, ये चाहते हैं कि इनको एक स्टेट की एनर्जी इनकी है जहाँ पे इनको पैसे पे काम करना है, ये पैसा बनाना चाहते हैं एक घर हो जहाँ पे ये भी हो, आप हो, बच्चे हो, और एक अच्छा खासा एबंडेंट फैमिली हो, मतलब जहाँ पे सब कुछ हो, मतलब अच्छी खासी लग्जरी हो, गाड़ी बंगला जो भी चाहिए, एक अच्छा घर, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए वहाँ पे इस तरीके का, तो वो चीज़ चाहते हैं। तो तब तक ये क्या कर रहे हैं, आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, हो सकता है ये फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज बैलेंस आउट करने की एनर्जी है, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये आपको एक ऑफर कर सकते हैं, छोटा मोटा ऑफर कर सकते हैं, छोटा सा, मैं जैसे मैंने बोला ना कोई स्टेबल कमिटमेंट अभी नहीं है, स्टेबल अभी ऑफर आपको नहीं कर रहे हैं बिकॉज इनके पास या तो ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पे ये मल्टीपल ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, या इनके पास बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी है, कुछ मिस भी कर सकते हैं, कन्फ्यूजन की एनर्जी भी इनकी हो सकती है कि इधर जाएँ इधर जाएँ, ठीक है। इस वजह से इनकी प्रपोजल नहीं लेने की एनर्जी है, या तो फैमिली इशू हो सकता है या जो भी चीज़ है, या इनका कैरियर इशू हो सकता है कि इनको पहले कैरियर पर ध्यान देना है, अभी सारा फोकस इनका वहाँ पर है, ये चीज़ भी है। तो अभी आपके साथ क्योंकि टच में रहना चाहते हैं तो एक फ्रेंडशिप का ऑफर आपको कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि चलो हम टच में बने रह सकते हैं, एज ए फ्रेंड बने रहते हैं, आपको ये एनर्जी पिछले कई दिनों से ये एनर्जी आ भी रही है कि फ्रेंडशिप वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है कि ये फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। 31 नंबर 12 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 16 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, बट अभी एनर्जी है ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ठीक है। आप इनकी नज़र में ना बहुत प्रिविलेज्ड, मतलब एक आप ऐसे इंसान के तौर पे भी हो सकते हो जहाँ पे आप बहुत, आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, बहुत आप खूबसूरत हो सकते हो, मतलब आप काफ़ी रिच हो इनके हिसाब से, आप काफ़ी मतलब आपके हो सकता है किसी तरीके की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली हो, या आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको ऐसा दिखता है कि आप बहुत सारा, या ये आपको ऐसा देना चाहते हैं कि ऐसा इंसान, ऐसी लाइफ आपको देना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। स्टेटस का बहुत इशू है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़, एक तरफ चीज़ें हैं जो ख़राब है, एक हो सकता है आप में से, या तो आप या आपके पर्सन जो भी, जिसको भी आप देख रहे हैं, जिसकी फेमिनाइन एनर्जी है, वहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी आपकी है, चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत पैसे वाले हो, आपके पास बहुत पैसा है। दूसरी तरफ इनके यहाँ क्या है, हो सकता है जैसे बीमारी हो सकती है किसी तरीके का, या तो आपके पर्सन बीमार हैं, या कहीं ना कहीं कोई बीमारी हो सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि पैसा तो है लेकिन आपके किसी तरीके की कोई आपको बीमारी हो सकती है, या किसी बीमार इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो सकती है, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज ये आप लोगों की कॉमन कार्ड है, आप लोगों के दोनों की कंडीशन को दिखाते हैं। किसी की बैड हेल्थ हो सकती है, कोई बुजुर्ग हो सकते हैं जो बीमार हो सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, तो वो एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है किसी को किसी की देखभाल करने के लिए कोई इंसान चाहिए, जहाँ पे उनको पैसे की ज़रूरत है, किसी के इलाज पे हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये एनर्जी कि उनको वहाँ पे सारा खर्च हो रहा है, वहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो इस वजह से उन्हें पैसे पे काम कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी चीज़ दिखा सकते हैं कि हम क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रप्शन है, थोड़ा सा टुकड़ों में बटी हुई चीज़ें तो ज़रूर हैं, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हैं, न्यू बिगिनिंग एक ज़रूर की जा रही है, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं, ये चाहती हैं आपके साथ एक फैमिली बनाना बट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देखती हूँ, एक मिनट, पैसे की ही दिक्कत है मेन चीज़, यहाँ पे पैसा ही है। प्लीज़ डिवाइन, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, फोर ऑफ कप्स को, किसी के लिए हो सकता है किसी के पास, किसी की बीमार पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी बीमारी पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, दूसरी तरफ आप बहुत रिच हो, ठीक है, तो वो अपने आप को स्टेटस बना ही नहीं पा रहे हैं इतना कि वो आपको, आपका हाथ मांग सकें, या आपका प्रपोजल ले सकें, या प्रपोजल दे सकें आपको, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इसी वजह से हो सकता है कि आपके बीच में स्टेटस का इतना बड़ा इशू हो सकता है कि जिसकी वजह से आपका रिश्ते की बैड हेल्थ हो रही है, यहाँ पे ये भी एनर्जी हो सकती है, बट हेल्थ इशू हो सकता है काफ़ी सारे लोग, कितने लोगों को है कमेंट करके मुझे बताना। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फोर ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए,
क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन एक तरफ तो प्यार करते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में देखो आप लोग या मैरिड या तो आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, कुछ लोग मैरिड हो सकते हो, या आपका रिश्ता मैरिड तक जाना चाहिए था। आपके पर्सन आपको एक कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ मैरिज की जा सकती है, और आपको एक सोल पार्टनर भी मानते हैं, ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं आप एक दूसरे के। बट कोई ऐसा इंसान आपके पर्सन की ज़िंदगी में, या तो उनकी मजबूरी कि उनके घर में कोई बीमार है जिसकी देखभाल के लिए उन्हें कोई इंसान चाहिए, जिसके लिए जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन भी हो सके, पैसा भी मिल सके, या आप लोगों के बीच में खुद भी स्टेटस इशू जो हम पहले बता चुके हैं वो भी चीज़ें हैं। बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपकी तरफ इसलिए नहीं बढ़ सकते बिकॉज हो सकता है आपके पास उतना पैसा नहीं है, या आपसे उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिल सकता, या आप उनकी देखभाल नहीं कर सकते। उनके घर में कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो बीमार है, जिसको देखभाल की ज़रूरत है, जिस पर पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो आपके पास तो हो सकता है उनके पास एक दूसरा ऑप्शन एक ऐसा हो सकता है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वहाँ से क्या होगा कि वो वहाँ से उनको पैसा भी मिल जाएगा, और चीज़ें वहाँ पे क्या होगी कि उनकी फैमिली को सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे वो जो भी बीमार व्यक्ति है उसको सेवा भी कर सकते हैं, या फाइनेंशियल भी हो सकता है कहीं से डाउरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है। प्रिविलेज लेडी का मतलब ये भी है कि जहाँ से कहीं से मॉनिटरी गेन, पैसा मिल रहा है। तो हो सकता है दूसरा एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ से उन्हें कैश में डाउरी मिल रही है, और एक पर्सन भी मिल रहा है जो आपके उन पर्सन की आकर के देखभाल कर सकता है, या उनके साथ इतनी फैमिली हो सकती है, या वो इतने रिच हो जाएंगे कि नर्स अफोर्ड कर सकते हैं, या कोई सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट लगा सकते हैं जिससे कि उस बीमार आदमी की देखभाल हो जाए, ठीक है, या उनके लिए पैसा मुहैया हो जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पे कोई मजबूरी मुझे दिखाई देती है, ठीक है, स्टेटस इश्यू भी हो सकता है। तो लेकिन क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वो आपके साथ एक बहुत डीप इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं, तो आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पे एनर्जी उनकी ये भी दिखाई देती है कि आपसे वो फ्रेंडशिप का ऑफर कर सकते हैं कि क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं, ठीक है, दोस्त बन के हम बने रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज आपके पर्सन आपके आपका जो साथ है ना उसको नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पे एनर्जी न्यू बिगिनिंग जरूर होगी, एक जीरो से फिर से शुरुआत होगी। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपके बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। आई वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके पर्सन या तो इन्होंने मैरिज कर लिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी मैरिज कर लिया है, हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो, मरने वाला हो, कोई बुजुर्ग इंसान हो सकता है जो खत्म हो रहा हो, जिसने ये डिमांड किया हो कि नहीं उनको शादी करनी है जल्दी। अभी कई बार होता है घर में कुछ दादी बाबा नानी नाना टाइप के लोग होते हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगे इससे पहले, उनके जाने से पहले शादी कर दो वाली कंडीशन होती है। तो कुछ लोग होते हैं जाते जाते सुहा करके जाते हैं रिश्ते, तो मतलब दूसरों के अरमानों का गला घोट के जाते हैं यहाँ पे, तो वो एनर्जी भी दिखाई देती कि इस वजह से आपके पर्सन ने अगर कहीं मैरिज किया है तो वहाँ पे भी एनर्जी ये दिखाई देती कि क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, प्यार करते हैं, तो वहाँ पे भी या तो कर लिया है तो भी, नहीं किया है करना चाहते हैं तो भी आपके साथ दोस्ती का ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ रीज़न ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे उनको अभी अपने करियर पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ें हैं, तो भी आपके पर्सन फिलहाल आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। उनकी एनर्जी ये है कि वो आपके साथ सिर्फ टच में रहना चाहते हैं, दोस्ती वाले मूड में रहना चाहते हैं, ठीक है, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, आपको विश कर रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आप, आपके पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये या तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है, विश कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी मैरिज हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, पैसे की दिक्कत है तो पैसा इनकी ज़िंदगी में आ जाए, यहाँ पे ये एनर्जी है। दूसरी तरफ कोई कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट लेते हुए ज़रूर देख, कोई एम्परस ज़रूर है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। ये आपको भी इस तरीके से देख सकते हैं, चीज़ों को ठीक करके देख सकते हैं कि आप पैसे पे काम कर रहे हो, आप इस तरह से एनर्जी, या इनकी ज़िंदगी में है कोई ना कोई ऐसा जो प्रोवाइडर है आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी से जुड़ जरूर रहे हैं, या तो आप ही की दूसरी फॉर्म को देख रहे हैं जहाँ से पैसा मिले, या कोई और पर्सन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर है, लाया जा रहा है, या एक ऑप्शन ज़रूर है जहाँ से इनको मॉनेटरी गेन हो रहा है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन ही आपके साथ फील करते हैं, आपके साथ कमिटेड फील करते हैं, बट थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है, थोड़े से ईगो में भी आ रहे हैं यहाँ पे, ये एनर्जी है, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, आपके पर्सन के पास ऑप्शन है दूसरे भी,
खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टूटा हुआ। अभी आप भी ऐसा ही फील कर रहे होगे, आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हेल्पलेस हो अलग अलग जगहों पे, दिमाग कहीं जा रहा है, वर्क कहीं जा रहा है, चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं आपके, तो आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर होगी, बट यहाँ पे जो भी है बॉटम में जो एनर्जी है ये है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं। रिश्ता हो रहा है, हो चुका है, या जो भी रीज़न है, इनका इरादा ये है कि आपके साथ टच में रहना चाहते हैं। अब इस रिलेशनशिप को आपको एक्सेप्ट करना है, फ्रेंडशिप को, कि नहीं करना है। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो वो देख सकते हो, मैंने बहुत हार्शली बोला है कल वाली रीडिंग में या परसों वाली रीडिंग में, तो अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पर भी देख लेना, बिकॉज ऐसी ही एनर्जी थी जहाँ पर पिछले 2-3 दिन से आ रही है, जहाँ आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं बट वो फ्रेंडशिप आपसे रखना चाहते हैं, ये एनर्जी है उनकी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।